हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंकित। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि लव स्टेटस कैसे बनाएं, जो कि इस तरीके का होगा। वीडियो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ओपन के बाद हम जाएंगे प्लस वाले आइकन पे, 16.9 का रेशियो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे मीडिया पे और क्लिक करेंगे फोटो पे। यहाँ से हम कुछ फोटो क्लिक कर लेते हैं। इस तरीके से हम फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम पैन एंड जूम का इस्तेमाल करके इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, एंड पोजीशन और स्टार्ट पोजीशन को। इस तरीके से हम हर फोटो सेलेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और इनको एडजस्ट कर देते हैं। पैन एंड जूम का इस्तेमाल करना सही रहता है। इस तरीके से हम सबको इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद में हम इन प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे लगा लेते हैं हम इसको। क्लासिक में जाएंगे और ये क्रॉस फेड वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। इन सब पे हम लगा लेते हैं क्रॉस फेड का। इस तरीके से हम हर एक में सेट कर लेंगे इसको। इस तरीके से हम हर फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ कुछ फोटो हम छोटे कर लेते हैं जो। इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होने के बाद में हम आ जाते हैं बैक। फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, 16.9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम जाएंगे मीडिया पे, यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे लेयर पे, क्लिक करेंगे मीडिया पे और जो हमें वीडियो लगानी है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें लव स्टेटस बनाना है को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको कर देंगे फुल स्क्रीन और मीडिया पे जाएंगे, क्लिक करके यहाँ से एक हम एक और फोटो क्लिक करेंगे। कुछ कलरफुल पिक्चर्स हैं। इस वाले को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर देंगे फुल स्क्रीन। इसको कर देंगे फुल स्क्रीन और कर देंगे सेंड टू बैक। इसको हम क्रोमा के में इस्तेमाल करके इसको कर देंगे इनेबल और इसको दे देते हैं हम एनिमेशन रिंग का, इस तरीके से। इसके बाद में जो हमने लेयर एक्सपोर्ट की थी उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको एडजस्ट करेंगे हम इस फ्रेम के अंदर। इस तरीके से इसको कर देंगे सेंड टू बैक। इस तरीके से हो जाएगा एडजस्ट। इसको कर लेते हैं प्ले। इस तरीके से हमारा स्टेटस बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लेयर पे क्लिक करेंगे, टैग्स पे जाएंगे, नाम लिख लेते हैं
फोन पे जाके यहाँ से हम फोन पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मोंटमी वाला सिलेक्ट करते हैं, इसको कलर दे देंगे ब्लैक। और जो इसकी आउटलाइन है उसको हम दे देंगे रेड, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से इसको भी हम कर देते हैं फुल स्क्रीन। ये हमारा स्टेटस जो है बनके तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको कर लेंगे एक्सपोर्ट और ये हो जाएगा हमारी गेम।